नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बैंक जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें एक्सिस बैंक और HDFC बैंक दो बैंक शामिल है, और इस दो बैंक में क्या क्या रिक्रूटमेंट है सभी के बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जॉब लोकेशन, सैलरी, जॉब का डिस्क्रिप्शन कैसे रहेगा, कैसे काम करना रहेगा, और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाजू में बेल आइकन जो है इसको भी दबाएं, ताकि जो भी जॉब नोटिफिकेशन आए ये आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे जो पहला जॉब है दोस्तों ये रहेगा आपका एक्सिस बैंक की तरफ से, जो कि रिलेशनशिप्स ऑफिसर है, और इसमें 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। फिलहाल जो एड्रेस मैंने मेंशन किया ये त्रिवेंद्रपुरम का है, और इसके अलावा भी यदि आपको बाहर कौन सा भी स्टेट से आप देख रहे हो या सिटी से देख रहे हो, चाहे आप हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई से हो, या आप कोलकाता से हो या यूपी से हो, आप नीचे कमेंट के जरिए बताइए, मैं आपका लोकेशन और वहाँ का 1-2 दिन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस जॉब के लिए आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 1,75,000 से लेकर के 2 लाख रुपीज़ पर एनम रहेगा। और इसका जो इंटरव्यू है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल से शुरू होगा, मॉर्निंग 10 AM से इसका शुरू होने जा रहा है। यदि आप त्रिवेंद्रम से यदि आप कोई लोकेशन जानना चाहते हैं तो उसका एक्सिस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड 1st फ्लोर इसका एड्रेस मेंशन हुआ है। यदि आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद में भी मेरे पास उसका लोकेशन है, लेकिन जो इसका इंटरव्यू है दोस्तों 1-2 दिन के बाद जो है शुरू होगा। तो यदि आप हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु, चेन्नई या यूपी से हो, आप नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं आपको लोकेशन 1-2 दिन के अंदर वहाँ का दे दूँगा। और इसका कांटेक्ट पर्सन का नाम है दोस्तों ये रंजिनी टॉम, और इसका ये कांटेक्ट नंबर है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्टिंग सेल्स मैनेजर रहेगा। ठीक है, आपको आप रिलेशनशिप्स ऑफिसर हो तो आपको जो मैनेजर है उनको आपको सपोर्ट करना होगा, जो भी आपको जो दिया जाएगा आपको जो सेल्स एंड सपोर्ट के लिए। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना होगा। जो कस्टमर रहेगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से कस्टमर से अच्छा सा रिलेशनशिप करना होगा। बाकी का डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोल्स आपको क्या रहेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स ऑफिसर के रूप में आपको काम करना होगा, और ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, फुल टाइम जॉब रहेगा। ठीक है, अगला जॉब बनने से पहले दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो चीन से कौन सा वायरस तेज़ी से फैल रहा है आजकल, महामारी जो फैल रहा है दोस्तों, कौन सा वायरस के कारण से, ये स्वाइन फ्लू, बी कोरोना वायरस, सी हेपेटाइटिस, डी एबोला। दोस्तों इसका जो जवाब है नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर देना, ए बी सी डी के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये दोस्तों HDFC बैंक की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकला है ये है दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, और इसमें 1 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि 1 साल काम या ज़्यादा है तो भी चलेगा। सैलरी रहेगा दोस्तों 1,75,000 से लेकर के 2,25,000 पर एनम रहेगा। इसका लोकेशन है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, और बेंगलुरु और चेन्नई और MP और UP का दोस्तों 2-3 दिन के बाद आने वाला है। तो यदि आप वहाँ से भी देख रहे हैं तो नीचे कमेंट के जरिए आप अपना शहर या स्टेट का नाम जरूर लिखना है। यदि इस सिटी से हो दोस्तों तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। लास्ट इसका जो वैकेंसी इंटरव्यू है 20 अप्रैल तक रहेगा। इनका एड्रेस जो है HDFC बैंक, ग्राउंड फ्लोर, नेहरू एंड क्लो। ठीक है, और कांटेक्ट पर्सन का नाम है आशीष कुमार। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या रहेगा दोस्तों, जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है इनको रहेगा क्रेडिट कार्ड, आपको जो भी HDFC का बैंक है इसमें क्रेडिट कार्ड सेल्स एंड सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और जो भी कॉरपोरेट ब्रांचेस है उनमें आपको जितने भी सेल्स एंड सपोर्ट करना होगा, चाहे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, उसमें आपको सहयोग देना होगा। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, मिनिमम 1 ईयर का सेल्स एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस नहीं है, कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे इंसेंटिव भी आपको दिया जा रहा है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आपको रोल्स रहेगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तरफ से रहेगा, और ये यदि आप फाइनेंशियल सर्विस या ब्रोकिंग या बैंकिंग रिलेटेड इससे पहले कभी आपने जॉब किया हो तो ये आपके लिए बहुत प्रेफर रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों।
इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।